चुनाव 5 साल बाद आता है और उम्र बढ़ रही है, जो 15 साल पहले बच्चे मेरी कमीज पकड़ के भागते थे वो आज मेरे बराबर हो गए 15 साल के। मैं तो 15 साल पहले आपसे मिला था, फोटो दिखाते हैं। वसुंधरा अगर भागी तो आपकी हुंकार ललकार से सात समंदर पार अपने दोस्त ललित मोदी के साथ भाग गई, ध्यान है कि नहीं आपने। और कपड़े वसुंधरा के ड्राई क्लीन कराने के लिए जाते हैं, ठीक है। ये तो मैं हूँ जो आपको मान सम्मान हर उस व्यक्ति को 5-5 करोड़ 8-8 करोड़ रेट थी टिकटों की, रेट बढ़ गई थी टिकटों की इस बार। रूपनगढ़ के अंदर 2018 के अंदर भी मैं उपस्थित हुआ था और उस समय भी आपने यहाँ से जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे वो हो सकता है कि अपने इलाके में कमजोर हो गए, लेकिन यहाँ से आपने वोट दे के उनको भेजा था, करीब 6,000 के लगभग वोट मिले थे। रूपनगढ़ वो इलाका है जहाँ वीर तेजाजी महाराज का बलिदान हुआ, ये वो इलाका है जिसकी वजह से 1,000 साल बाद भी किसान कौम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। भाइयों अपनी ताकत को पहचानो। पुष्कर के अंदर आपने बीजेपी के कैंडिडेट को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा, कांग्रेस के भी विधायक बने, मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी का विधायक बन रहा है। मैं आपको इतना ही अपील आपसे करने आया हूं कि जब अशोक जी को टिकट दिया आपकी मांग पे, ये मेरे भरोसे पे पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से आरएलपी के उम्मीदवार बने, अगर आपने इनको जीता दिया तो समझ लो कि आने वाले समय के अंदर रावत समाज का बहुत बड़ा आशीर्वाद किसान कौम को मिलेगा। ये मैं अपील करने के लिए आया हूं कि रूपनगढ़ पंचायत समिति और रूपनगढ़ के जितने गांव हैं मुझे हाथ खड़े करके बताओ कि बोतल के चिन्ह पे वोट डालोगे। और यहां से अब चाहे बीजेपी का कोई बड़ा नेता आए, चाहे कांग्रेस का बड़ा नेता आए, उसको चाय पानी पिलाओ, उसको रवाना करो और वोट आज से ही तय कर लो कि वोट बोतल के अंदर डालेंगे। पिछले 25 साल से एक व्यक्ति ने जो परिकल्पना राजस्थान के अंदर जवानों ने की थी कि काश हमारे राजस्थान के अंदर भी थर्ड फ्रंट बने, काश हमारे राजस्थान के अंदर ऐसी पार्टी बने जो कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर दे सके। भाइयों आपके संघर्ष आपके आशीर्वाद, सरमान बेनीवाल ने 2003 से लगातार सत्ता को ठोकर मार के उससे पहले विश्वविद्यालय के अंदर गरीब किसान के बेटों की सेवा करते हुए जो 25 साल का सफर तय किया है, मैं चाहता तो 2003 में मंत्री बन जाता, 3, 8, 13, 18। और जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी, हरियाणा यूपी पंजाब के किसान नेता आए और बोले हनुमान जी आप मोदी की गोदी से बाहर आ जाओ तो किसान बिल वापिस हो सकते हैं, मैंने उनको भरोसा दिया कि अगर हनुमान बेनीवाल के संघर्ष से, हनुमान बेनीवाल के बलिदान से अगर किसान कौम का सर ऊंचा होता है तो ये दिया बलिदान और ये छोड़ा मोदी को 70 दिन सड़क पर बैठ के। उत्तरी भारत का अगर कोई किसान नेता इस कौम की रखवाले के लिए सड़क पर आया वो नागौर का सांसद है, आपका भाई है। जब प्रदेश के अंदर वसुंधरा गहलोत के गठबंधन के अंदर जिस तरह अपराधी खुलेआम घूम रहे थे, किसान के बेटों के सीने पे गोलियां बरसा रहे थे, अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता अहंकार में डूबे लोगों की नमस्कार नहीं लेते थे, उस वक्त अगर प्रदेश की इज्जत मान सम्मान बचाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक कोई लड़ा, जिसके तीनों विधायक राजस्थान की विधानसभा के अंदर, चाहे पेपर लीक की घटना हो, चाहे बजरी माफिया का आतंक हो, चाहे दलित युवती का थानागाजी का वीडियो वायरल की घटना हो, चाहे प्रतापगढ़ के अंदर आदिवासी बहन को निर्वस्त्र करके घुमाने की बात हो, सर्व समाज को जहां भी जरूरत पड़ी सबसे पहले उसको न्याय दिलाने के लिए गया वो आरएलपी पार्टी का जवान, आरएलपी पार्टी का पदाधिकारी न्याय दिलाने के लिए, और उसी का परिणाम है कि आज आप दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हो। ये आप भी जानते हो कि 101 सीट पे मैं नहीं लड़ रहा हूं, 200 सीटें हैं और 101 से बहुमत मिल रहा है, लेकिन अभी 101 में तो कोई नहीं पहुंच रहा है, बीजेपी फुस हो गई, कांग्रेस फुस हो गई, आएगा कौन? आओगे आप लोग, अब आओगे कैसे वो भी बता दो, पुष्कर में जिताना है, मसूदा भी जितानी, दोनों सीटें जिता दोगे? ऐसे ही आओगे, भीलवाड़ा में आओगे, अजमेर में आओगे, चित्तौड़ में आओगे, उदयपुर में आओगे, नागौर में आओगे, सीकर में आओगे, जोधपुर में आओगे, बाड़मेर के अंदर आओगे, भरतपुर में आओगे, हनुमानगढ़, गंगानगर, झुंझुनू, तमाम जगहों
जहां जहां आरएलपी के मजबूत प्रत्याशी है, जहां जहां आजाद समाज पार्टी के मजबूत प्रत्याशी है, इन गठबंधन के प्रत्याशियों को भारी वोट करो। चुनाव 5 साल बाद आता है और उम्र बढ़ रही है, जो 15 साल पहले बच्चे मेरी कमीज पकड़ के भागते थे वो आज मेरे बराबर हो गए 15 साल के। मैं तो 15 साल पहले आपसे मेरे तो फोटो दिखाते हैं। तो भाई वो एक व्यक्ति लड़ रहा है, उसे कमजोर मत होने देना, दोबारा आपको लड़ाका नहीं मिलेगा। जिसके लोकसभा में जाते ही प्रधानमंत्री के अंदर हलचल हो जाती है कि आज क्या करने वाला, ध्यान रखो इसका। वो एक ही व्यक्ति है जिसके नाम से वसुंधरा राजे का ब्लड प्रेशर अप हो जाता था और उसको मैंने भगाया राजस्थान से। कोई बीजेपी के नेता को नहीं भगाया, वसुंधरा अगर भागी तो आपकी हुंकार ललकार से सात समंदर पार अपने दोस्त ललित मोदी के साथ भाग गई, ध्यान है कि नहीं आपने। और गहलोत के बेटे को हरा के जो संदेश दिया, गहलोत जादूगर है, अगर जादूगर होता तो बेटे को जीता देता। मैंने ऐसा जादू घुमाया कि जादूगर का जादू ही मेरे पास ले आया, मैं सारा सारा उसके बेटे को जोधपुर के अंदर हराया। यहां भी जब अपराध सर चढ़ के बोला, जब नाथुराम जी के बच्चे भंवर सिनोदिया की निर्मम हत्या की गई, उस वक्त भी लड़ाई कोई लड़ रहा था, और जिसके जैन के अंदर आज भी ये बात है कि असली मुलजिम सलाखों से बाहर है, वो पकड़े नहीं गए, वो हनुमान बेनीवाल जिस बात का ध्यान रखता। मुझे मजबूती देना, कोई फर्क नहीं पड़ता एमएलए कौन बन रहा है, एमएलए हार जाए जीत जाए क्या फर्क पड़ता है, हनुमान बेनीवाल जिंदा रहना चाहिए, वो मजबूत रहना चाहिए। अगर वो मजबूत रहेगा 50 MLA बना देगा, और वो कमजोर हो गया तो कितने विधायक बने, 50 क्या कर लिया तुम लोगों ने बता दो मुझे, राजस्थान के अंदर तुम्हारे कितने कितने विधायक थे किसानों के, 110 विधायक बने, फिर भी थैला लोगों का उठाते थे और कपड़े वसुंधरा के ड्राई क्लीन कराने के लिए जाते हैं, ठीक है। ये तो मैं हूं जो आपको मान सम्मान हर उस व्यक्ति को, बीजेपी ने टिकट काट दी, कांग्रेस ने काट दी, और क्यों नहीं काटेगी टिकट, अशोक जी में क्या कमी थी, लेकिन पैसा कौन देगा, 5-5 करोड़ 8-8 करोड़ रेट थी टिकटों की, रेट बढ़ गई थी टिकटों की इस बार कोविड के बाद, दोनों हाथों से लूट खसोट करी दोनों पार्टियां, उनको पता है, कोई बोलने वाला नहीं है। आप गुटों में बंटे हुए हो, सरपंचों के चुनाव की पार्टियों में बंटे हुए हो, आप नहीं समझ सकते। मैं फिर आह्वान करता हूँ, इससे अच्छा मौका नहीं आएगा। मैं अजमेर की सारी सीटें आपसे नहीं मांग रहा, एक सीट तो दो मुझे, सब ज्यादा तेजाजी देकर मैं ही दे दोगे ना, रूपनगढ़ इलाके से, रूपनगढ़ इलाके की प्रत्येक गांव की पेटी खुले, जब मतदान इलेक्ट्रिक मशीन का स्विच दबाए तो आरएलपी नजर आनी चाहिए, और बोतल जब वोट देने जाओ तो बोतल में हनुमान बेनीवाल नजर आए। अशोक जी नहीं लड़ रहे हैं ये चुनाव, मैं लड़ रहा हूं यहाँ पे, इसलिए आपके बीच ये सभा करके संदेश दिया। मुझे किसी ने कहा कल कि साहब पुष्कर में सुस्ती है, मैंने कहा सुस्ती किस साइड में ये तो बताओ, पुष्कर तो हमारा सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। कह रहे रूपनगढ़ साइड में थोड़ी सुस्ती, मैंने कहा मैं सुस्ती दूर कर दूंगा, आ रहा हूं मैं, वहां पहुंच रहा हूं। अब सुस्ती दूर हो गई आपकी, हाँ तो फिर लग जाओ जी जान से, रावत समाज के वोट तो ये खुद लेंगे, मेरा भी बड़ा स्नेह है, वो तो इनको देख के देंगे वोट, और बाकी हमारे जो बाकी लोग हैं जाट गुजर ऐसी भाई गठबंधन के अंदर हम लोग, तो तुम सब टूट के पड़ो। मुस्लिम भाई भी कितने एक दिन लेके रहते हो, बाकी तो बहुत विरोध करते हो, हमारी एमएलए ऐसी नहीं वैसी नहीं, तो दो ना वोट, समय आ गया, समय जिसका चूक जाता है उसको वापस कोई याद नहीं करता।